खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच अमृतपाल सिंह ने पुलिस के सामने तीन शर्तें रखी है। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी को आत्मसमर्पण दिखाया जाए, उसे पंजाब की जेल में रखा जाए और जेल या कस्टडी में उसके साथ मार पिटाई न की जाए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और अमृतपाल के बीच में कुछ धार्मिक नेता बिचौलियों का काम कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि अमृतपाल दमदमा साहिब में भी सरेंडर कर सकता है, अकाल तख्त के जत्थेदार वहां जा सकते हैं। बता दें कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ 18 मार्च को ऑपरेशन शुरू किया था, तब वो भागने में सफल रहा। उसके बाद अमृतपाल सिंह के हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने की खबर मिली। इसके बाद वो यूपी और दिल्ली भी आया। अब एक बार फिर अमृतपाल सिंह के पंजाब में होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड नंबर की गाड़ी से अमृतपाल अपने सहयोगियों के साथ मंगलवार शाम को पंजाब के फगवाड़ा पहुंचा था। सूत्रों ने बताया कि पुलिस अमृतपाल के आसपास है पर उसे पकड़ नहीं पा रही है। अमृतपाल के फरार हो जाने के बाद से पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है। अमृतपाल और उनके सहयोगियों ने एक गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई की मांग को लेकर अमृतसर के निकट अजनाला थाना पर धावा बोल दिया था। इस घटना के करीब तीन सप्ताह बाद 18 मार्च को पुलिस ने उसके और उसके खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे संगठन के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी थी। अमृतपाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ वैमनस्य फैलाने, अवैध हथियार रखने, हत्या के प्रयास, पुलिस कर्मियों पर हमले और लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने के संबंधित कई आपराधिक आरोपों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।